है सबना दा वेसा। वाहिगुरु जी असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिए हर जाए मन तन प्यास दर्शन खनी, कोई आन मिला वे माए। असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिए हर जाए मन तन प्यास दर्शन घणी, कोई आन मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के हौ तिनके लागा पाए, विण प्रभ क्यों सुख पाई है दूजी नाही जाए। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए, आप त्याग बिनती करहें लेहो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाइया से बिछड़ कतह न जाए, प्रविण दूजा को नहीं नानक हर शरणाए। असो सुखी वसंदिया जिन्ना मया हर राए, असो सुखी वसंदिया जिन्ना मया हर राए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी विच सुभायमान गुरबाणी कीर्तन दा आनंद माण रहे गुरु सवारी सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी दी बख्श सदका अमृत वेले दियां इस भाग घड़ियां प्राप्त होईयां ने, जो गुरु गोद विच बैठ के हर जस सरवण करन दा ए मौका प्राप्त होया है। अज तो अस्सू दे महीने दी आरंभ हुंदी है। गुरबाणी विच सतगुरु जी ने सानू समय दे प्रथाए बहुत भारी ज्ञान बख्शिश कीता है। समा बहुत अमुल है, समा बहुत कीमती है। समा जो एक बारी हथों चलिया जाए वह मुड़ के नहीं आउंदा। इस समय नूं संभालण दे लई समय दे प्रथाए बेअंत बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी विच सुभायमान है। जिथे जुगां दी गल सतगुरु जी ने कीती है, महीनियां दे नां ते बारह माह दे नां ते दो बाणियां गुरु ग्रंथ साहिब जी विच अंकित ने। उत्थे दिनां दी बाणी है, पहरां दी बाणी है, थितां दी बाणी है, रुत्तां दी बाणी है। विश्वे चसियां घड़ियां पहरां दी गल भी सतगुरु जी ने कीती है। सतगुरु जी दा मनोरथ सानू यही समझाउण तो है कि समय दा हर पल बड़ा कीमती है। समा कदी भी माड़ा नहीं हुंदा, समा मनुख दी सोच अनुसार ही माड़ा अते चंगा बनदा है। कोई दिन माड़ा नहीं है, हर दिन ही भागां भरे है जदों असीं वाहिगुरु जी दे प्यार विच जुड़ जांदे हां। गुरु नानक साहब जी, गुरु अर्जन देव जी की जो अमृत बाणी माझ राग विच बारह माह विच अंकित है, उस दे नाल आप जी, उस दे नाल संबंधित ये वचन आप जी ने सवन किते ने। असू दे महीने की गल करदे हां, सतगुरु जी ने साडी जिंदगी की गल कीती है, असू दे महीने नाल साडी जिंदगी नूं तुलना दिती है। ये नहीं है कि जो सतगुरु जी ने उपदेश असू दे महीने जां होर किसे महीने च दित्ता है
वो केवल 30 दिनां लई है, नहीं वह समुची जिंदगी की गल करता है। गुरदेव जी ने इस मुखवाक अंदर जो सानू उपदेश बख्शिश किया है, ज्ञान बख्शिश किया है, हर मनुख जिंदगी अंदर सुख चाहता है, ये भुख परमात्मा ने हर मनुख दे अंदर रखी है। हर मनुख जिंदगी अंदर एन परफेक्ट बनना चाहता है, पूरा बनना चाहता है। और तुसी देख दे जितनी दौड़ भज हो रही है, ये मनुख दे अंदर परमात्मा ने एक भुख रखी, आप रखी हुई है। वो भुख दूर किवें होनी ये गल वक्री मनुख नू पता नहीं है, पर मनुख अपनी जतन नाल सोचता है कि बहुत धन होएगा तो मैं बड़ा सुखी हो जावांगा, वो धन लई जतन करदा है। धन चो जे सुख जां तसली नहीं मिलती, मनुख सोचता बहुत वड्डा रुतबा होएगा ना राजनीतिक फिर सुखी हो जावांगा, वो उहदे लई संघर्ष करना शुरू कर दिंदा है। इस तो अलावा सोचता कि दुनियावी रिश्तेदारियां, दुनियावी पदार्थ मेरे मन के इस खला पूरियां कर देंगे, बेचैनी खत्म कर देंगे, ये भी मनुख बहुत संघर्ष करता है। जिंदगी दे अंदर हर मनुख सुख चाहता है, हर मनुख चाहता है कि उन्हें कोई भुख ना रहे, कोई कमी ना रहे। हर मनुख ये भी चाहता है सुख भी होए, उन्हें कोई कमी ना होए, पर ये जो अवस्था बनी है ये कभी खत्म ना होए, ये सदा कायम रहे, मुड़ के जिंदगी च दुख ना आए, हर मनुख का जतन है। लेकिन इस अवस्था नू प्राप्त करने लिए मनुख तरीके वखरे वखरे अपनाउंदे। हर मनुख अंदर परमात्मा ने आप भुख रखी है अगे वधण दी, और उसे दे अधीन ही दुनिया च दौड़ पा चल रही है। सतगुरु जी ने समुची मानवता की गल करदिआं कि सुख तो हर किसी को चाहिए है, जिंदगी च उच्चा हर कोई उठना चाहता है, तरक्की करन दा, अगे वधण दा, उच्चे उठन दा हर मनुख का अधिकार है, वधना चाहिए। पर आप इस मकसद कामयाब किवें हो सकते हैं, सानू इस मकसद के विच सफलता किवें मिल सकती, ये गल अज दी इस पवित्र पौड़ी राही सतगुरु जी ने बख्शिश की है। गुरदेव कहिंदे इस गल का पता सानू तां लगेगा असी उन्हां लोगों कोल बैठीए जिहड़े इस गल विच कामयाब हो गए ने, जिन्हां नू इस मुखवाक अंदर भी ते समुची बाणी च सतगुरु जी ने संत कहा। संत किसी व्यक्ति नू नहीं किया, संत किसी भेख नू नहीं किया, संत एक अवस्था है, जिस अवस्था च पहुँच के कोई पूर्ण तौर पर तृप्त हो जाता है, जिस अवस्था च पहुँच के कोई मनुख सदा परमात्मा के रंग में रंगिया रहिंदा है, जिस अवस्था च पहुँच के मनुख नू भुखी कोई नहीं रहिंदी, उहनू संत किया गया। सतगुरु जी कहिंदे जिंदगी अंदर जे आपां इस मकसद विच कामयाब होणा है तो उहदे लई इक्को एक तरीका है, परमात्मा नाल प्यार करिए। जिस अवस्था नू प्राप्त करना चाहुंदे वो अवस्था तुहानू परमात्मा नाल जुड़ के ही मिलेगी। परमात्मा ही पूर्ण है, परमात्मा ही पूर्ण तौर पर तृप्त है, परमात्मा ही सदा सुखी है। तो परमात्मा नू मिलन दे लई हिरदे च प्रेम होना चाहिए। हुण प्रेम कित्थों मिले? प्रेम बाजारों पैसों नाल नहीं मिलेगा, प्रेम किसी रुतबे ते बैठ के नहीं मिलेगा। प्रेम प्राप्त करन दे लई सानू उन्हां लोगां दी संगत करनी पएगी जिहड़े अपनी जिंदगी दे अंदर कामयाब हो गए, और वो कामयाब ने जिन्हां नू सतगुरु जी ने संत कहा। संत दर्थ गुरु की संगत भी है। सब तो महान संत सतगुरु जी ने, और सब तो उत्तम अवस्था गुरबाणी ने बयान की। गुरबाणी भी संत है साडे लई, सतगुरु भी संत है, गुरबाणी विच रंगे हुए भी गुरु के संत ने। इस करके सतगुरु जी ने सानू यह ज्ञान दे के कि आप इस जिंदगी रूप असू के महीने सुखी किवें हो सकते हैं, जिंदगी अंदर आनंद किवें माण सकते हैं। जो बचन बड़े ज्ञान में ही बख्शिश किए ने, आओ आप मिल के इन्हां दी विचार सांझी करिए। सतगुरु जी दे प्यार जुड़दे हैं, गुरु चरणां दा ध्यान धरदे हैं, मुख तो सारे ही उच्चारण करिए जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिली है हर जाए। गुरु अर्जन देव जी दे ए पावन बचन 12वां दी पवित्र बाणी विच 8वीं पौड़ी च गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंक 135 ते सुभायमान ने। असुन दा अर्थ है असू दा महीना, असू दे महीने दा अर्थ है कि ऐस जिंदगी दे अंदर
भई मेरे मन अंदर प्रेम का एक मोह पैदा हो गया, मेरे अंदर एक चश्मा पैदा हो गया, उत्साह पैदा हो गया। वो ख्याल ये पैदा होया कि मैं परमात्मा नूं किवें मिल सकदा, क्योंकि जिंदगी दे अंदर सुख तो परमात्मा दे कोलों ही मिलना है। दुनियावी पदार्थ साडियां दुनियावी लोड़ां पूरियां कर सकते हैं, धन दौलत दे नाल आपां खाण पीण दे पदार्थ खरीद सकते हाँ, सोहणियां गड्डियां कारां खरीद सकते, होर सुख सहूलतां दे साधन खरीद सकते हाँ। लेकिन जिहनूं सुख कहा जाता है वह सुख तो केवल परमात्मा दे प्यार च है, तो इस जिंदगी दे अंदर हुण उस परमात्मा नूं मिलण दे लई एक चाओ उमाह पैदा हो गया, उत्साह पैदा हो गया, ख्याल आया कि किवें उस परमात्मा नूं मिलीए। मन तन प्यास दर्शन खणी कोई आण मिलावै माए, भई मेरे मन अंदर हिरदे अंदर ते मेरे तन अंदर, जदों तन की गल आउंदी है कि तन दे जितने इंद्रे ने ये अखियां ये कन्न ये जिहवा उस वाहिगुरु जी दे रस नूं मानण लई उतावले ने, पर कोई मैनू उस परमात्मा नाल मेल देवे, कोई उस परमात्मा दे प्यार जोड़ देवे, तां कि मैं जिंदगी दे अंदर उस परमात्मा नाल मिल के सुखी हो जावां। जदों ये बेबलता पैदा होई, देखो जदों तुहाडे अंदर भुख पैदा होएगी तो रस्ते लभणे शुरू हो जाणगे, जे भुख ही नहीं है तो फिर रस्ता की लभणा है। अंदर खिच होए किसी चीज़ नूं प्राप्त करन दे लई रस्ते भी कुदरत अपने आप देने शुरू कर दिंदी है। जिन्ना चिर भुख नहीं है किसी चीज़ की उन्हों प्राप्त कर ली तुसी कोई जतन ही नहीं करोगे, तुहानू रोटी की भुख लगी है फिर बंदा हर जतन करता कि भुख दूर किवें करनी, कोई ना कोई साधन अपना लैंदा। जदों अंदर एक उमाह पैदा होया, भुख पैदा होई, खिच पैदा होई कि कोई मैनू परमात्मा नाल आके मिला देवे, तो फिर पता लग्या कि संत सहाई प्रेम के हों तिन कै लागा पाए। पिया जिहड़ा वाहिगुरु जी नूं मिलन दा मार्ग है ना, प्रेम दा मार्ग, इहदे विच रब दे प्यारे ही मददगार बन सकते ने, रब दे संत ही मददगार बन सकते ने, रब दे संत। इत्थे सतगुरु जी ने रब दे संतां दी गल कीती, क्योंकि दुनियावी संत भी बड़े ने, लोगों नूं रिझाउण वाले, लोगों दी नज़रां च अपनी पूजा प्रतिष्ठा बनाउण वाले बहुत ने, जिहड़े अपने नाल संत लगाई बैठे ने। गुरबाणी च सतगुरु जी ने उचेचे तौर पर कह, हर के संतन आखियन बनारस के ठग, ये हरी के संत नहीं है, इत्थे हरी के संतां दी गल है। हरी के संत दी ये वडियाई है कि आठ पैर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने। हरी के संत दी वडियाई सूर वीर बचन के बली, कौला बपरी छंता संतहन छली, जिन्होंने माया नूं भी छल लिया, माया उन्हां ते प्रभाव पा ही नहीं सकती। साहब जी कहिंदे कि जिहड़े वह रब दे संत ने, रब दे प्यारे ने, वह इस प्रेम विच मददगार बन सकते ने। इस करके भाई वह जिहड़े रब दे प्यारे ने, हों तिनके लागा पाए, पता चलिया कि रब दे प्यारे इस काम च सहायक हो सकते ने, तो फिर मैं उन्हां रब दे प्यारियां दे पैरों ते जाके डिगदा। पाए दर्थ पैरीं डिगणा, पैरीं डिगण का अर्थ कोई रमज है इहदे विच, केवल पैरी डिगण दे नाल कुछ नहीं बनना जे सानू पता ना लग्या कि डिगण दा अर्थ की है, पैरी लगण दा अर्थ की है। किसी भी हस्ती दे पैरी लगण दा अर्थ हुंदा है कि उहदी अधीनगी प्रवान कर लैणी, जो वह कहिंदा उहनू कबूल कर लैणा। हुण ते आपां देखदे हां दुनिया च संतां दे भी घाट नहीं, तो उहनां दे पैरां ते डिगण वालियां दे भी कोई घाट नहीं है। फिर साडा समाज हर रोज़ अधोगति नूं क्यों जा रहा है, फिर साडा समाज हर रोज़ गिरावट वल नूं क्यों जा रहा है। इहदा मतलब पहली गल कि रब के संत धरती ते लभणे बहुत विरले ने, बहुत घट ने, हैन विरले ना ही कणे, फैल फकड़ संसार विरले ने। फैल फकड़ दा अडंबर बड़ा है, दिखावा बड़ा है, धर्म दे नां ते खास करके। सतगुरु साहब जी कहिंदे कि जिहड़े रब दे संत ने उहनां दे पैरीं डिगण दा अर्थ हुंदा है कि उहनां कोल बैठ के उहनां दे बचनां अनुसार जिंदगी बतीत करनी, जो वह बचन कहिंदे ने उहनां नूं जिंदगी अंदर धारण कर लैणा। शरीर करके पैरी डिगण नाल कुछ नहीं बनना जिन्ना चिर साडी सुरत उन्हां दे चरणां नाल ना जुड़ी, चरणां दा अर्थ है बचन, जिन्ना चिर साडी सुरत विच उन्हां दे बचन ना वसे, जिन्ना चिर साडे जीवन अंदर उन्हां दा उपदेश ना आया, उन्हां चिर पैरी डिगण दा अर्थ पूरा हो ही नहीं सकता। गुरु नूं वी असीं मस्तक झुकाउंदे हां, सतगुरु जी ने सानूं एक ज्ञान दिता कि सिर झुकाया की हो जाएगा, शीश निवाए क्या थी है जां हृदय कसुद जाए,
ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਟ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜਿਉਂ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਐਨ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵੇਣ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁੱਖ ਪਾਈਐ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਉੱਥੋਂ ਸੋਝੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਬਣਾਇਆ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਤਰਸ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਸਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਆਏਗਾ ਉਹਨੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਸੂਰਜ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਦਾ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਵਾ ਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਆਏ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਨੇਰਾ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਣ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁੱਖ ਪਾਈ ਹੈ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਐਨ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਚਨ ਕਿ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਤਨ ਖੱਟ ਹੈ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਪਿੱਖ ਹੈ ਨਿਰਤ ਨਾਟ ਹੈ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਧਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ ਪਰ ਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੁੱਖ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਿਓਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਜਾਏ ਮਿਲਣਾ ਥਾਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਜੋ ਸੁੱਖ ਕਹੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰਹਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਣਾ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬੇਅੰਤ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
खास करके हर मत विच है साडे ते किड्डी वड्डी रहमत कीती सानू साडे सतगुरु जी ने गुरबाणी दी दात दित्ती है। गुरबाणी इस जग मह चन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र बाणी दा एक एक लफ्ज एक एक लाइन जिहड़ी है वह ज्ञान दे नाल भरी पई है। लेकिन असी जे हुण खूह दे कोल रह के प्यासे रहीए तो इहदे च ते रब दा कोई कसूर नहीं है। हुण हाथ दीप कूए परे वाली हालत साडी बनी पई है, हाथ विच दीवा है। अज गुरु ग्रंथ साहिब जी तां सिर्फ आपां सियासत करन लई रखे होए ने, माफ करना सियासत करन दे लई। किसी ने रुतबा लैना वह गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाँ ते शुरू हो जाता है, रुतबा मिल जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब नूं भुल जाता है। किसी ने को अपनी चौधर लैनी हो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी का आसरा लैंदा है, गुरुद्वारे का आसरा लैंदा है, चौधर लै लैंदा, गुरु ग्रंथ साहिब नूं भुल जाता है। असी गुरु ग्रंथ साहिब जी रखे बहुते लोगों ने कमाई करन दे लई, वड्डा सारा नगर कीर्तन कर लो पैसे बड़े इकट्ठे हो जाएंगे, कोई गल नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब का उपदेश नहीं दसना लोगों नूं हैरानी की गल है। हजारा मील गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं रुमालिया च ढक के असी फेरते रहने हजारा मील, लेकिन कदी बैठ के असी रिजल्ट कढ़िया कि इन्हां हजारा मीलों च किन्ने हजार लोगों नूं असी गुरबाणी का ज्ञान दिता है। ये तो बैठ देंगे अज गोलख किन्नी होगी, बैठ के गिणते हैं इन्ने पैसे हो गए, ये तो गिणते हैं। लेकिन कदी बैठ के किसी दाने प्रधाने ने सोचा होए कि इन्ने दिन असी सड़कों पर फिरे, इन्ने दिन असी पैसा इन्ना खर्च किया, इन्ना असी लोगों का टाइम टाइम मनुख की जिंदगी का बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। असी किन्ने हजारां घंटे जिहड़े लोगों की जिंदगी दे तबाह कर दिते, तो ये मनुखता नूं दिता की आपां, इहदा ते कदी कोई रिजल्ट नहीं कढ़िया किसी ने। वो तो कढ़न जे ये नीयत होए, नीयत तो कदी भी नहीं कि लोगों जागरूकता आए। जे तुसीं जागरूक हो गए फिर तो तुसीं गुलामी किसी की नहीं करोगे। इस करके गुरबाणी ने एक गल कही, जिधर मर्जी चले जाओ दूजी ना ही जाए। परमात्मा ने मनुख नूं सुख देण दे लई धर्म ग्रंथ बनाए, परमात्मा ने मनुख नूं सुख देण दे लई धार्मिक रहबर भेजे इस धरती दे उपर। और सच जाणो उन्हां रब्बी प्यारियां ने मनुखता दे सुख दे लई बहुत कुरबानियां कीतियां, बड़ा संघर्ष किया। किसी भी धर्म के रहबर की गल तुसीं लै लो, हज़रत मुहम्मद साहब ने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने बड़िया मुसीबतें चलना पईआं, क्योंकि असी इतिहास उन्होंने पढ़ते नहीं, अपना पढ़ते हैं। उन्होंने बड़ी विरोधता सहनी पई। हज़रत ईसा नूं लोगों ने सूली ते टंग दिता सच बोलन दे लई। आपां जदों अपना इतिहास पढ़ते हैं, सतगुरु साहब गुरु नानक देव जी ने सारी जिंदगी किड्डा वड्डा संघर्ष किया, किथे डाकुआं दे नाल, किथे राजियां दे नाल, किथे जालमां दे नाल, पता नहीं किन्ने खूंखार लोगों के नाल सतगुरु जी का वाह पिया। फिर गुरु नानक साहब जी तो बाद हर गुरु साहब जी का इतिहास पढ़ लो तुसीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं तत्तियां तवियां ते बिठा के साड़ दिता गया, कादे लई कि उह लोगों नूं जागरूक करना चाहुंदे ने। गुरु कलगीधर पातशाह जी का सारा परिवार ही लेखे लग गया, वह कादे लई कि वह मनुखता का उधार करना चाहते ने, लोगों च जागरूकता पैदा करना चाहते ने। भावें कोई होए, अज होए, जदों होए, पहला होए, जिन्हें भी मनुखता के उधार की गल की लोगों ने विरोधता की। पागलखाने तुसी चले जाओगे ना पागलखाने के अंदर, तो तुसी उत्थे जिहड़े बैठे ने उन्होंने कहोगे पागल तुहानू कुट उड़ के मार देंगे। ये दुनिया एक पागलखाना है, ये संसार एक पागलखाना है। दुनिया नूं तुसी ज्ञान देण दा जतन करोगे दुनिया तुहाडे गल पैगी। और गुरबाणी ने एक गल कह दिती है कि ये गल अटल है, सच है कि रब मेहरबान है, रब ने बड़े सुख दिते ने। पर जे तुसी रब की रहमत नूं जानना चाहुंदे हो गुरु कोल आ जाओ, गुरु की बाणी नाल जुड़ जाओ, रब्बी प्यारियां दी संगत च बैठो। रब्बी प्यारियां ने इको गल दसनी है कि वेण प्रभ क्यों सुख पाई है। प्रभु दे प्यार विच जुड़न तो बिना, हुण प्रभु दे प्यार दा अर्थ की आपां कम छड्ड के बैठे रहिए, प्रभु दे प्यार दा की अर्थ की आपां माला फड़ के बैठे रहिए, कि प्रभु दे प्यार दा अर्थ आपां निकम्मे हो जाइए। प्रभु नूं ते गल प्रवान ही नहीं को बंदा निकम्मा होए धरती ते, प्रभु नूं ते ओह प्रवान जिहड़ा किरती होएगा, जिहड़ा मेहनत करेगा, जिहड़ा संघर्ष करेगा। प्रभु दे प्यार जुड़न दा अर्थ है कि आपां किरत करदे आं ईमानदार हो जाइए। सुख लेना तां जो तुसीं अपनी ईमानदारी नाल कमाओगे उह तुहानूं भरपूर सुख देगा, जो तुसीं अपनी ईमानदारी की किरत करोगे तुहाडे अंदर एक सुकून पैदा करेगा। तुसीं अज बेईमानी करके देख लो तुहाडे अंदर दा सुख शांति खत्म हो जाएगी, तुहाडे अंदर बेचैनी शुरू हो जाएगी। तुसीं मनुखता दा भला करना शुरू कर दो, तुहाडा सुख मिलना शुरू हो जाएगा। अज लोगों ते जुल्म करना शुरू कर दो, तुहाडी बेचैनी तुहाडा चैन खत्म हो जाएगा, तुहाडे अंदर एक डर पैदा हो जाएगा।
कल भी मैं बेनती की जेडे बहुत ताकत वाले ने सब तो अंदरों डरे हुए ने वो चाहते लोगों को गुलाम करे तुहाडे विरुद्ध बोले ना। मनुख डरिया होया ये दूजिया गुलाम बना के रखना चाहता है कोई विरुद्ध बोले ना। विरुद्ध ओदे बोलिया जाता जेड़ा गलत होए गलत आदमी के विरुद्ध ही लोग बोलते हैं चंगे आदमी की तो विरोधता ही कोई नहीं करता उन्होंने तो डर ही कोई नहीं वो जिधर मर्जी जाए रात फिरे दिने फिर उन्होंने कदी चिंता है दुनिया से उन्होंने अपनी अखियां से बिठाती चंगे लोगों को देखने लिए तो दुनिया तरसती है पर मसला है कि चंगा लभना ही बड़ा औखा हो गया। सतगुरु साहब जी कहिंदे जदों तुसीं परमात्मा दे प्यार जुड़ जाओगे ईमानदार हो जाओगे अपनी किरत नाल जुड़ जाओगे मनुखता दे भले दी गल करनी शुरू कर दोगे परोपकारी हो जाओगे सच दे मार्ग ते तुरने शुरू हो जाओगे तुसीं उदों सुखी होना शुरू होगे। सुख प्राप्त करन लई इह उडीकण दी लोड़ नहीं है कि असीं कदों मरांगे ते स्वर्ग विच जाके सुख मिलेगा इह उडीकण दी लोड़ नहीं है सुख हुणे मिलना शुरू हो जाएगा। अज तो ईमानदारी वाले पासे तुरना शुरू हो जाओ सुख अज तो मिलना शुरू हो जाएगा। जिन्ना तुसी जिंदगी च रब्बी गुणा नूं ग्रहण करते जाओगे उन्ने वधेरे सुखी हुंदे जाओगे उन्ने तुसी सुखां दे समुंदर दे अंदर खचत हुंदे चले जाओगे जिन्ना रब वाले बन्ने तुरदे जाओगे। गुरबाणी कहिंदी है कि जो करोगे उस वेले मिलना शुरू हो जाएगा। दुनिया कहिंदी है कि मरोगे तो बाद विच मिलेगा गुरबाणी ये गल नहीं कहिंदी कि मरण तो बाद मिलेगा तुहानूं सचखंड किते गुरबाणी ने कहा सचखंड जीउंदे जी है आनंद जीउंदे जी है रब जीउंदे जी है। इस करके सतगुरु जी कहिंदे ने कि रब्बी प्यारिया ने ज्ञान दिता कि विण प्रभ क्यों सुख पाई है परमात्मा तो बिना तेनू सुख किवें मिलेगा भाई कदी भी नहीं मिलेगा। दूजी ना ही जाए होर कोई थां ही नहीं है होर कोई तरीका नहीं है। बंदा सुखां लई जतन करता है बथेरे जतन कर रही है मनुखता मनुख ने बहुत धन कमा रहा बड़ा बेचैन है आपां देखदे हां आ युग जिन्हों आप कहने साडे आगू साहबान कहें जी असं इकवीं सदी चले गए इकवीं सदी जाके तो बंदा बहुता पागल हो गया इकवीं सदी जिन्हों कहने बड़ी तरक्की की भुखमरी तो बहुत ही पसर गई आप देखते सड़कों पर साडे मजदूर रोक लग गए इकवीं सदी का ये स्टार्टिंग है। इस सदी के अंदर तो दुनिया ज़्यादा सगों बेचैन हो गई है ज़्यादा सगों डिप्रैशन जानी शुरू हो गई है। इस सदी के अंदर तो सगों मनुखता का कान बहुता होना शुरू हो गया बीमारियां पैनिया बहुत शुरू हो गई यह कोई विकास नहीं है तरक्की नहीं है मनुख विनाश वाले बनने जा रहे हैं। उसका कारण है कि दुनियावी साधन राही तुम कहो जी असं इस सदी चाह के अगे बढ़ के ये बिल्कुल भुलेख है मनुख का। परमात्मा के प्यार जदों भी जुड़ेगा बंदा परमात्मा के प्यार जुड़न का अर्थ यह नहीं कि असं संसारक तरक्की नहीं करांगे परमात्मा के प्यार जुड़ के भी तरक्की करांगे। बहुत सारे वो लोग ने जिहड़े जिंदगी अंदर रब्बी प्यार वाले ने रब्बी सुभाव वाले ने पर बड़े कामयाब लोग ने कारोबार करके बहुत कामयाब लोग ने और राज पा करके बड़े कामयाब लोग इहोजे होए ने जिन्हां दे अंदर रब्बी गुण सन उन्होंने मनुखता दीआं असीसां ही बड़ियां लईआं सगों उन्होंने दुनिया अज भी चेते करदी है। औरंगजेब की कोई बरसी मनाउंदा देखिआ तुसीं औरंगजेब की मड़ी ते कदी दीवा जगदा च कितें मेला लग्गिआ देखिआ तुसीं महाराजा रणजीत सिंह की जोड़ मेला तो लगता देखे ही होएगा भावें थोड़ा चिर ही हो रहा भावें उसकी जिंदगी का नैगेटिव पक्ष भी बहुत है पर उन्हें मनुखता की जो सेवा की इस करके दुनिया उन्होंने चेते करती है राज पाग नूं चेते करती जो गरीबों नूं प्यार किया जिहड़ा कि रात नूं अपना भेस बदल के गरीबों को जांदा कि तुहानूं की चाहिए जिहड़ा लोगों दीआं पंडां आप चुक के लोगों के घर च पहुँचाउंदा इहो जिहे राजिआं नूं ते दुनिया हमेशा प्यार करती है ते जिहड़े लोगों का भी खो के अपने घर च पाई जाते उन्होंने तो जीउंदे जी लानत पाउंदे ने लोग मरन तो बाद ते पैणियां ही ने। इस करके सतगुरु जी कहिंदे ये गल चेते रख लो जिधर मर्जी जाओ तुहानूं रब्बी प्यारियां को जाके एक ज्ञान मिलेगा कि परमात्मा तो बिना सुख किते नहीं मिलना जिधर मर्जी चले जाओ। जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए रब दे प्यारियां दी पहचान की है कि रब दा प्यारा जिन्हें बहुत चिट्टे कपड़े पा लिए वह संत है कि जिन्हों को बहुत दुनिया मथे टेकली को वड्डा संत है जां को बहुत वड्डे शरीर वाला वो वड्डा संत गुरबाणी कहिंदी नहीं। रब दे प्यारियां दी सब तो पहली ये पहचान है कि वह वाहिगुरु जी दे रस विच लिवलीन रहिंदे ने और रजे हुंदे ने और तृप्त हुंदे ने उन्होंने भुख ही कोई नहीं हुंदी उन्होंने किसी तरह की कोई भुख नहीं हुंदी उन्होंने अंदर एक भुख जरूर हुंदी है वह भुख कड़ी हुंदी है मत हुंदी होए इआना ताण होंदे होए नेताणा अण होंदे आप मंडाए को ऐसा भगत सदाए लोगों के अंदर वंडन की उन्होंने भुख हुंदी है। ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह एक भुख हुंदी है लोगों के पर उपकार करने के लिए उन्होंने अंदर भुख हुंदी है
कि यह मानवता सुखी होनी चाहिए, समाज अंदर कोई दुखी नहीं होना चाहिए। यह भुख सी सतगुरु नानक साहब जी के अंदर, उन्होंने घर च कोई परेशानी नहीं सी, घर च कोई कमी नहीं सी, कोई उन्होंने शरीरक रोग नहीं सी, कोई उन्होंने मानसिक तौर पर रोग नहीं सी। बाबा नानक जी ने एको गल देखी, बाबा देखे ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दे साई, दुनिया ते सड़ रही है। हुण दुनिया दुखी होए, लोगों के पुत्र मर रहे हो, दुनिया खुदकशी करती होए, तो धर्म के नाँ ते अखाउण जिहड़े लोग अपने डेरियां ते बैठे रहन, वह किवें धार्मिक हो सकते ने जी? किवें तुसीं धार्मिक होगे? बाबा नहीं बैठ सके अपने घर च। बाबा नानक दे अंदर एक फिर भुख पैदा हुई, चढ़िया सोधन धरत लुकई। बाबा नानक जी लोगों के दुखों दूर करने लिए चल पे, नहीं बैठा गया बाबा नानक जी को। बाबे नानक नूं पता लगा कि ईमनाबाद कतलेआम हो रही, विदेशी हमलावर आया, उन्हें बड़ा जुल्म किया। बाबे ने सुनिया तो वाहोदाई भजिया आया दूरों चल के, नहीं टिक सकिया। बाबा नानक जी आके गरीबां दी ढाल बन गए। कोई धार्मिक बंदा नहीं उत्थे आया, कोई राजनीतिक बंदा उत्थे, जिहड़े कहिंदे जी साडा मुल्क है, कोई नहीं आया। अज भी नहीं आना, अज भी गरीबां ते जदों जुल्म होएगा, जिहड़े लोग कहिंदे साडा मुल्क है, कोई नहीं पहुंचेगा गरीबां दी सार लैण। जे मुल्क तुहाडा है ते इस मुल्क विच रहण वाले लोग किन्ना दे ने भई, इन्हां नूं रोटी किन देनी है, इन्हां दे दुख किन दूर करने, इन्हां दीआं परेशानियां को लोकां ने बाहरों आके दूर करनियां ने। मुल्क तुहाडा ही सी, मुबारक है, पर तुहाडे मुल्क विच वसण वाले लोग कौन ने, इन्हां दी सार कौन लेगा? मुल्क जमीन नाल नहीं बनदा, मुल्क लोगां दे नाल बनदा, मुल्क लोगां नाल बनदा। जे मुल्क की गल है, बड़े पहाड़ समुद्र खाली पे, उत्थे जाके बना लो, कहांगे उत्ते राज कहदे ते करी? राज धरती ते नहीं हुंदा, माफ करना, राज लोकां ते हुंदा, राज लोकां ते कीता जांदा, धरती ते ही कीता जांदा। धरती ने कुछ नहीं देना जे लोक नहीं है तां। इस करके ये राज भाग कायम रहिंदे ने उहनां लोकां दे सिर ते जिहड़े किरती लोग ने। किरती लोग मेहनत करदे ने, कमाउंदे ने, और आपां देखदे राज भाग जिहड़े ने मौजां माणी चले जांदे ने किरती लोगां दे सिर ते। धरती चो अन्न अपने आप नहीं उगलता, एक किरती दे हत्थां च परमात्मा ने एक करामात दिती है। रब ने मनुख बनाया, मनुख ने धरती तो बेअंत बरकतां पैदा कीतियां ने, मनुख दे हत्थां नहीं पैदा होंदियां ने बरकतां। इस करके सतगुरु साहब जी कहिंदे जिहड़े रब दे प्यारे ने उन्हां दी पहचान की है? उन्हां दी पहली पहचान कि वह तृप्त हो जाते ने, रज जाते ने, उन्हां नूं कोई दुनियावी भुख नहीं हुंदी, और इस तरीके दे नाल ओह सदा वाहिगुरु जी दे प्रेम रस विच जुड़े रहिंदे ने। जिहड़े रब दे प्रेम रस विच जुड़े ने कि ओह दुनिया तों टुट जांदे ने, जिहड़े रब दे प्यार जुड़े ने कि ओह दुनिया तों वखरे हो जांदे ने। क्योंकि इह वी सुणदे जी फलाना इहो जिहा मस्त होइआ दुनिया ही छड्ड गया, ओह जी जंगलां च चलिआ गिआ मुड़के ही नहीं आया, इहो जिहीआं बड़ीआं कहानियां सुणदे आपां। फलाना गिआ जी बस घर छड्डिआ, मुड़के घर नहीं वड़िआ, ओह नहीं वड़िआ, ओहदी मर्जी है। पर जिदे मन च प्रेम का रस हुंदा, उह मानवता दे नाल प्यार करदा। एक गल चेते रखना, जिथे सतगुरु जी ने गल कही कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है, जतर तत्र दिशा विशा होए फैलियो अनुराग, उथे उस परमात्मा नूं मिलन दा तरीका भी है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जे परमात्मा नूं प्रेम नाल मिलिया जा सकदा, जे परमात्मा प्रेम स्वरूप है, तो परमात्मा दे प्रेम का अर्थ ये नहीं कि रब दे बनाए हुए धीआं पुत्तरां नाल आपां नफरत करिए जां उहनूं प्यार ना करिए। परमात्मा कित्थे रहिंदा? पहाड़ां च रहिंदा कितें? परमात्मा कितें कोई वक्री दुनिया च रहिंदा, जां सतवें जां होर वक्रे आकाश विच रहिंदा? परमात्मा तो जिहड़ा है ना, उह इस दुनिया च ही रहिंदा, हर मनुख दे अंदर रहिंदा। मंदा किस नूं आखे जां तिस बिन कोई ना है, सब में जोत जोत है सोए। हर हिरदे च परमात्मा है, हर मनुख नूं प्यार करना ही परमात्मा का प्यार है। मनुखता की सेवा ही परमात्मा की सेवा है, मनुखता का प्यार ही परमात्मा का प्यार है। तो जिन्हां दे अंदर परमात्मा का प्यार पैदा हो जाए, तो मानवता नूं बहुत प्यार करते हैं, वो तो किसी का दुख सह ही नहीं सकते। और उन्होंने पता लग गया है, वो आप रजे होंगे ने। तो साहब जी कहिंदे फिर इहो जे प्यारे जिहड़े ने, जां उन्हां प्यारियां कोल जाके आप त्याग बेनती करें, लेहो प्रभु लर लाए, रब्बी प्यारियां दी संगत विच जा के उन्हां दे उपदेश नूं मन के। आप त्याग दर्थ है कि मन दी मत त्याग के फिर अरदास बेनती करिए भाई। वो केड़ी है? कि लेहो प्रभु लड़ लाए, कि वाहेगुरु जी तुसीं आप कृपा करके सानूं अपने लड़ लगा लो, असीं तुहाडा लड़ छड बैठे हाँ, असीं तुहाडा पल्ला छड बैठे हाँ। परमात्मा दा पल्ला पकड़न दा अर्थ है कि रब्बी प्यारियां दा पल्ला पकड़ लो, रब्बी प्यारे तुहानूं परमात्मा दा पल्ला पकड़ा देणगे। रब्बी प्यारियां दी संगत विच आ जाओ, उन्हां दी सरण च आ जाओ। विच संगत हर प्रभ वसे जीओ, परमात्मा संगत विच वसदा है। जदों तुसीं संगत नाल प्यार बना लोगे,
भगत जी ने बड़ा महान वचन किया, साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत न होए तेरी। साध संगत तो बिना तुहाडे हिरदे अंदर परमात्मा का प्यार पैदा नहीं होना। कोई रब नूं चेते करदा बहुत ही भागां वाला है किसी भी तरीके नाल करे, पर जिन्हों आप प्यार कहने ना, माफ करना, वह सतसंगत दे राही पैदा होंदा है। सतसंगत विच आके साडे अंदरों अहंकार मिटदा है, सतसंगत विच आके साडे अंदर निम्रता आउंदी है, प्यार आउंदा है। इस करके सानू साडे सतगुरु जी ने सतसंगत दित्ती वड्डे पद्धर दे उपर। गुरु साहब जी कहिंदे फिर उन्हां रब्बी प्यारियां कोल जाके अरदास करदे आपां, आप त्याग बेनती करें लेहो प्रभु लड़ लाए, मन की मत छड़ के बेनती करते हाँ कि वाहेगुरु जी सानू कृपा करके अपनी लड़ लगा लो। लड़ दा अर्थ है कि सानू अपनी सोझी बख्श दिओ, साडी सुरत तुहाडे प्यार च जुड़ जाए। जो हर कंत मिलाईया से विछड़ कतहे ना जाए, दुनियावी धन पदार्थ जां रुतबे अपना जतन करके लै लैने पर वह सदा साडे नहीं रहिंदे। धन अज है कल नू नहीं रहेगा, रुतबे अज ने कल नू नहीं रहणगे। आपां देखदे बहुत कल रुतबियां ते सन, अज लुकदे फिरदे ने, नहीं रहणगे रुतबे सदा। लेकिन परमात्मा दे प्यार जिहड़े एक बार जुड़ गए, जिन्हां नू परमात्मा ने अपने नाल मिला लिया, जो हर कंत मिलाईया, कंत दा अर्थ हुंदा पति, इत्थे जिग्यासू दा ते परमात्मा दा मेल पति ते पत्नी दे नाल तुलना दित्ती है। यह गल बड़ी भावपूर्त समझण वाली है। पति पत्नी जिहड़े ने इकट्ठे रहिंदे ने, विचारां दी इक सुरता हुंदी है, उन्हां दा आपसी दिली प्यार हुंदा है। लेकिन जिहनूं आपां कहिंदे ना लीनता नहीं हुंदी आपस विच, रहिंदे ने इक घर दे विच, उन्हां दी विचारां दी इकसारता, इकट्ठे प्यार नाल रहना, उन्हां दे जीवन इकसार चलदा है। पर जिहनूं आपां कहिंदे लिव लीनता, वह अजे नहीं हुंदी। ये जग्यासू जिहड़ा है उहदा संबंध परमात्मा नाल बन जांदा है, पति पत्नी वाला परमात्मा दे प्यार च विचरदे ने, परमात्मा दी रजा च विचरदे ने, परमात्मा दे गुणां नूं चेते करदे रहिंदे ने। लिव लीनता ते उदों बनदी है, ताइयों गुरबाणी च सतगुरु जी ने कोई गल कही कि आपां जदों मंगणा है परमात्मा दे चरणां दा प्यार ही मंगणा। राज न चाहो मुक्त न चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे। वाहिगुरु जी तुहाडे चरणां दा प्यार चाहीदा, मुक्ति भी नहीं चाहीदी सानूं, मुक्ति भी ठुकरा दित्ती। मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे, दुनिया मुक्ति ही लभदी है। ज्ञानी दा अर्थ ज्ञानवान लोग, ज्ञानी ये नहीं कि जिन्हें चिट्टे कपड़े पा लिए ज्ञानी है। ज्ञानी दा अर्थ के जिहड़े ज्ञानवान लोग ने, उन्हां ते आ विचारी बपड़ी कहिंदे, विचारी आह विचारी मुक्ति त्याग दित्ती, दुनिया मुक्ति मंगदी, उन्हां मुक्ति नूं कहता है विचारी सानूं नहीं चाहीदी। वह केवल वाहिगुरु जी दे चरणां दा प्यार मंगदे ने, अरदास करदे ने कि लेहो प्रभु लड़ लाए, कि वाहिगुरु जी कृपा करके सानूं अपने चरणां नाल जोड़ लो। जो हर कंत मिलाईया से विछड़ कते ना जाए, प्रभु परमात्मा ने जिन्हां नूं अपने नाल मिला लिया, वह फिर परमात्मा नालों विछड़ के कितें होर थां ते नहीं जाते। जिथे भी रहन वह सदा वाहिगुरु जी दे रंग च रहिंदे ने, प्रभु दे प्यार च रहिंदे ने। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिहड़ा एक बार मिल गया तो फिर विछड़ जाएगा। धर्म की दुनिया च बड़ियां कहानियां आपां सुणदे आं, फलाने नूं जी एक वारी रब मिलिया सी, एक बारी उन्हों रब दे दर्शन होए सन। भगत जी दे नाम नाल एक आपां आम कल्पित गल सुणदे, भगत जी नूं जी 72 वारी रब दे दर्शन होए, जे दर्शन होए तो फिर विछड़ गया रब, एक बारी मिल के विछड़ गया। रब तां एक अवस्था है, रब ते तुहाडे जीवन का एक पद्धर है। रब का मिलन की है, जदों तुसीं रब वर्गे बन जाओगे। बहुत सारे लोग समाज विच ने, बड़े नेक बड़े पारोपकारी, जिन्हां दे प्रथाएं साडी एक सोच बन जाती कि यह बंदा तो रब वर्गा ही है, जिहड़ा बड़ा दयालु होए, पारोपकारी होए, बड़ा शांत सुभाव वाला संतोखी बंदा होए, आपां कहिंदे यह बंदा रब दा रूप है। तां रब दा रूप, रब वर्गे किवें बणने? रब वर्गे बण दा अर्थ कि तुहाडे अंदर दया आ जाए, तुहाडे अंदर प्यार आ जाए, तुहाडे अंदर संतोख आ जाए, तुहाडे अंदर सहनशीलता आ जाए, तुहाडे अंदर निर्वैरता आ जाए, तुसी अंदरों निरपाओ हो जाओ, तुसी सच बोलण दी जुरत रखो। रब अगे बणदा अर्थ नहीं कि मैं भोरा पुट के बैठ जा वखरा रब वर्गा बन गया। रब किसी का दुख देख नहीं सकता, रब किसी नूं दुखी करना नहीं चाहता। रब वर्गे बणदा अर्थ है कि किसी का दुख तुसी सह ही ना सको, दूजियां दे दुख दूर करने लई तुहाडे अंदर भुख पैदा हो जाए, यह है रब वर्गे बनना। तो जिन्हां नूं परमात्मा ने अपने नाल मिला लिया, वह फिर रब नालों कभी विछड़दे नहीं है। भाव जो उन्हों का सुभाव बन गया है ना, जिस पद्धर ते पहुँच जाने
ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਸਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋੜ ਸਕੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੋਡੋ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾ ਮੇਰੋ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੋ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਮੇਰੋ ਘਾਲ ਡਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਡਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵੜ ਤੋਰੀ, ਲਾ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਹੋ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਵੜ ਦੇ ਮੋਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਿਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਲਾਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਉਹ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਰਿਆ ਸਰੀਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਈਆ ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹ ਕਦੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਆਠ ਪੈਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਵਿਣ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸੁਣਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਭਟਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਕਰੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਕੌਣ ਕੱਟੇਗਾ? ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰੱਬਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਤੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਮੂਰਤ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਮੂਰਤ ਕਿੰਨੀ ਦੇਖੈ ਛਾਤੀ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਿਯਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਬੁੱਤੋ ਤਰੱਕੀ ਇਸੇ ਕਹਿਤੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ, ਬੁੱਤੋ ਤਰੱਕੀ ਇਸੇ ਕਹਿਤੇ ਹੈ, ਜਬ ਗੜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਗੜੇ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਾਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਰਾਸੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੈ।
जदों बंदा तराशिया जाएगा बंदा रब बन जाएगा, जदों बंदा तराशिया जाएगा। गुरु सानू तराशद है, एक मूर्ति बनाउण वाला जिहड़ा है वह कोलों कुछ नहीं पाउंदा मूर्ति विच, वह तो पत्थर लैंदा एक वड्डा सारा पत्थर दे विच, जिहड़ा वाधू पत्थर है वह अपनी सियाणप नाल अपनी छैणी हथौड़ी नाल वाधू पत्थर उतार दिंदा, विचों मूर्त निकल आउंदी है, पत्थर दे विचों मूर्त उहने कढ़ी है, कोलों कुछ नहीं पाया उहने। गुरु तुहानू कुछ नहीं देगा, मता सोचो आपां 12 दिन आंगे साडा बहुत पैसा मिल जाएगा, सानू बहुत कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल एक तुहानू भुलेखे च रखिया गया धार्मिक लोगों ने, तुहाडे कोल बहुत कुछ है, तुहाडे कोल कमी कोई नहीं है, तुसी राजे हो धरती दे, तुहाडे अंदर हीरे रतन जवाहर माणक परे ने। गुरु नानक की बाणी पढ़ने वाला बंदा रोज पढ़े मत विच रतन जवाहर माणक, तो वह बाहरों कहे मैनू कुछ मिल जाए, वह बाहरों कहे कुछ मिल जाए, साडे अंदर तो हीरे ने रतन ने जवाहर ने माणक ने, सानू धरती दे राजे बना के भेजिया बंदा है, पर अखौती धार्मिक लोगों ने सानू बनाता भुखारी, उत्थे चले जो आ मिल जाएगा, उत्थे चल जो आ मिल जाएगा। तुसी राजे हो, गुरु तुहानू कुछ नहीं दिंदा, ना गुरु ने देना है, गुरु तुहानू ज्ञान दिंदा है, गुरु तुहानू तराशदा है। जदों गुरु तराश के तुहाडे अंदरों अहंकार कढ देगा, तुहाडे अंदरों बेईमानी कढ देगा, तुहाडे अंदरों वैर कढ देगा, तुहाडे अंदरों ईरखा खत्म कर देगा, अंदरों तुहाडियों रब निकल आएगा, तुहाडे अंदर रब बैठा होया। जदों तुसी रब बन गए तुसी कदे मत्था टेकोगे? जदों तुसी रब बन गए तुसी किसे दी ईन मनोगे? तुसी ते मालक बन गए मालक। यही तो चाहते ने कुछ अलोक कि तुसी मालक नहीं गुलाम ही बने रहो धरती ते। गुलाम गुरबाणी मनुख नू एक सुतंत्र सोच दिंदी, सुतंत्र हर तरह की गुलामी दे जूले नू कटना, हर तरह की सुतंत्रता प्रदान करना, यह गुरबाणी का मनोरथ है। इहदे लई सतगुरु जी ने 10 जामे संघर्ष किया, बड़े उन्होंने जफर जाले, इहदे लई इन्नियां वड्डियां कुरबानियां कीतियां। आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ांगे तो साडे अंदर स्वैमान पैदा होएगा, स्वैमान। मनुखता दे अंदर हीण भावता बड़ी तगड़ी भरी हुई, हीण भावता, तुसी ते पापी हो, तुहाडे ते कर्म बड़े माड़े ने, बस तुसी ते बख्शे नहीं जाणा, तुहानू ते अगे नरकां च थां मिलेगी, तुहानू ते बड़ा नरकां साड़िया जाएगा। मनुख नू डरा डरा के अंदर हीण भावता पैदा करदी, एक रोग है हीण भावना, एक रोग है हीण भावना, मनुख रोगी है, हीण भावना है हर मनुख दे अंदर, सोचदा कि आपां बड़े माड़े हाँ, साडे ते कर्म ही चंगे नहीं। जिस मनुख नू मनुखा देही मिल गई वह सब तो वड्डा भाग है इस प्लैनेट ते जिन्हों मनुखा देही मिली उस बहुत वड्डे भागा वाला है, इदों वड्डा की हो सकता जिन्हों मनुखा देही मिली है। इस देही को सिमरें देव, देवते तरसदे मनुख बनने लई, ते मनुख कहिंदा है मैं बड़ा माड़ा जी, मेरे बड़े कर्म माड़े ने। दरअसल मनुख दे अंदर सोच ही भरी गई, गुरबाणी इस सोच नू कटदी है। गुरबाणी तुहानू कहिंदी ना ना है जी, ना हम उत्तम नीच न मध्यम, हम शरणागत हर के लोग, कहो कबीर हम राम की अंशो, असी रब दे बच्चे हाँ। रब दा बच्चा ये कहे जी मैं माड़ा, ये तो बड़ी माड़ी गल है। रब दा बच्चा कहे जी मेरे बड़े भाग माड़े ने, बड़ी इतिहासोहीणी गल है। कोई राजे दा बच्चा कहे जी मैं बड़ा माड़ा, ये किन्नी हासोहीणी गल है। सानू रब ने राजे बना के भेजा सी धरती ते, अपने पुत्र बच्चे बना के भेजा। रोज़ अरदास करे गुरसिख तुम मात पिता हम बारक तेरे, कहने पर असी बच्चे बनते नहीं, वो असी साढ़े अंदर कभी एहसास कभी यह सोच पैदा नहीं हुई कि असी रब के बच्चे। कहने रोज हाँ ए गल च पला पग, तुम मात पिता हम बारक तेरे कहने, जे कद असी उन्होंने अपना माँ प्यो मन लीए, असी अपने आप में वो बच्चे बन जाइए, साड़ी जिंदगी तो कमी कोई नहीं है, सानू की भटकन की लोड़ है। इस करके सतगुरु साहब जी कहते ने एक पता लगा आके सतपुरखों के कोल सतसंगत विच कि प्रभु बिना दूजा को नहीं नानक हर सुनाए, परमात्मा तो बिना कोई तुहाडे दुख दूर नहीं कर सकता, परमात्मा तो बिना किसी ने तुहाडी मददगार नहीं बनना, परमात्मा तो बिना तुहाडी अरदास किसी ने नहीं सुननी। जिन्हें मर्जी जिधर मर्जी भटक लो आखिर तो उत्थे ही आना है। वड़े वड़े आपां दुनियावी फन्ने खां देखे ने जिहड़े कहिंदे कि साडा ही हुक्म चलेगा, साडे तो बिना कम बनना नहीं, असी बड़े तगड़े हाँ बड़े तनवान हाँ। जो आखिरी वेड़ा आता ना कहते करो कोई अरदास रब अगे साड़ी को भुल माफ़ हो जाए, हूँ भुलना है ही इन कहीं माफ़ कितों हो जाएगी। परमात्मा कदी किसी रही नहीं करता, परमात्मा कदी किसी रियायत नहीं करता, वो तो जिहा बीजा सो लुणा करमा संदड़ा खेत, यह नहीं कि तुम सारी जिंदगी कंडे बीजी जाओ तो अखीर वेले कहो जी पढ़ो सुखनी साहब हूँ अंब बन जाने, ये कदी नहीं होना। यह जो बीजे उ वड्डना पैना है,
इसे करके गुरबाणी वार वार के पुकार के कहती है मंदा मूल न कीचई दे लम्मी नदर निहाली है। बड़ा सोच समझ के कम करो जेड़ा करना है, दो दृष्टि दे नाल कम करो जिन्ना चिर धरती ते रहना है। यह जिंदगी वार वार नहीं मिलनी, जेड़ा अज लंघ गया वह वापस नहीं आना। इस करके सतगुरु साहब जी कहते कि परमात्मा तो बिना सुख कितों नहीं मिलना, जिधर मर्जी डा के देख लो। असो सुखी वसंदियाँ जिन्ना मया हर राहे, सतगुरु गुरु ना अर्जन देव जी महाराज कहते जिन्ना ते वाहेगुरु जी त्रुट गए। हुण मसला है कि वाहेगुरु सारियां ते नहीं त्रुटदे, वाहेगुरु ते मेहरबान है, वाहेगुरु ते दयालु है, कृपालू है। जिन्ना मया हर राहे दा अर्थ की है, सूरज हर वेले चानण दिंदा है पर जिहड़े सूरज दे सामने आउणगे सूरज दा चानण प्राप्त कर लैणगे। वाहेगुरु तो हर वेले मया दे च है, दया च है, मेहरबान है। उहदे ते अंदर एक उमा है, परमात्मा ने अंदर एक भुख है, जिवें माँ बाप दे अंदर नहीं एक भुख हुंदी, उहदा बच्चा बड़ा कामयाब हो जाए, उहदा बच्चा बड़ा सुखी रहे। देखो असीं सारे अपने बच्चों लिए आप दुखी हो जाने, बच्चों नूं सुखी करना चाहुंदे, किन्नी भुख है साडे अंदर अपने बच्चों के प्रति, होनी भी चाहिए है, ये रब ने पैदा की है। परमात्मा दे अंदर यह भुख है कि इस धरती ते रहने वाला हर इंसान बड़ा सुखी होए, बड़ा सुखी, वो दे अंदर एक भुख है। हुण उहदी भुख नूं आपां किवें दूर कर सकते हैं, उहदी भुख नूं दूर करन दा यतन यह है कि आपां गुरु की बाणी की रोशनी विच जीवन बतीत करिए, गुरबाणी के उपदेश नूं जिंदगी च ग्रहण करिए, गुरबाणी के दसे मार्ग ते चल के आपां जदों मानवता दे नाल प्यार करांगे, मनुखता की सेवा करांगे, परमात्मा आपे त्रुट जाएगा। किसी के बच्चों नूं प्यार करो ना, किसी नूं खुश करना होए तो आपां उहदे बच्चों नाल सांझ पा लीने, परिवार नाल सांझ पा लीने। ज़्यादातर मिलटरी च पता की हुंदा है, मैनूं रहण दा मौका मिलिया किसी अफसर पासों कोई छुट्टी छाट्टी जवान ने प्रवान करनी होंगी ना, कोई सा उहदा वाह मेरे नाल चले, सीधा घर जाके मेम साहब जी नूं कहिंदा, मेम साहब कह दो साहब नूं, उहदी गल बन जाती है। परमात्मा नूं प्रसन्न कराउणा है तो मनुखता नूं प्रसन्न कर लो, मनुखता प्रसन्न होगी तो रब आप ही बदोबदी प्रसन्न हो जाएगा, फिर उहनूं प्रसन्न करना औखा ही कोई नहीं है। इस करके सतगुरु साहब जी कहिंदे ने कि जिन्हां ते परमात्मा त्रुट गया वह इस जिंदगी अंदर सदा सुखी वसदे ने, वह आप ही नहीं वसदे, वह लोगों नूं भी सुख दिंदे ने, वह जिथे जांदे ने लोगों के दुखों नूं दूर करने लई जतनशील रहिंदे ने। सतगुरु जी ने इस पवित्र मुख वाक राहीं सानूं एक ज्ञान दिता है कि यह जिंदगी अंदर हर कोई सुखी रहना चाहता है, हर कोई सुखां लई जतन कर रहे हैं, कोई धन कमा के सुख लैना चाहता है, जिन्ना जिन्ना किसी की सोझी है उस तरीके नाल सुख लैण लई वह जतनशील है, कोई दुनियावी रुतबियां राहीं, कोई दुनियावी पदार्थां दे राहीं, हर कोई चाहता है कि मैं सुखी भी होवां, हर कोई चाहता है जिंदगी मैनू कोई कमी ना हो, हर कोई चाहता है ये सुख तो ये जो कुछ मैनू मिले ये कभी खत्म ना होए, इवें ही बनया रहे, सदा कायम रहे। जिन्हों आप कह दें दुख जिंदगी अंदर भुख तो बद अमनी कोई नहीं चाहता, दुख भुख तो बद अमनी जिंदगी अंदर कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता सदा रजे रहीए, सदा सुखी रहीए, साड़ी जिंदगी बड़ी शांतमई जे रहे, कोई कल कलेस ना जिंदगी अंदर होए। ये तीन गल्लां दा जिक्र इस पौड़ी अंदर आया है। तो सतगुरु जी कहिंदे ओ जिहड़ियां गल्लां ने, पहली गल कि तृप्त रहे अगाए सदा ही रजे रहीए, दूजी गल कि विछड़ कदे न जाए, ये अवस्था साड़ी कदी बद अमनी च ना बदले। अगली गल ये है कि जो सानू जिंदगी अंदर कदी दुख ना व्यापे वो अवस्था सानू मिलेगी सत पुरखां कोल बैठ के, उन्हां दे बचन हिरदे च धारण करके, गुरु कोल बैठ के गुरु के बचन हिरदे च धारण करके, उस मार्ग ते चल के वाहिगुरु साडे ते त्रुट पएगा। जदों परमात्मा त्रुट गया साडा जीवन सुहेला हो जाएगा। सतगुरु जी मेहर करन, गुरु की अमृत बाणी दे ये पावन बचन साडे हिरदे च वसन। सतगुरु जी सारे घरां सुख शांति ते चढ़दी कला दी दात बख्शिश करन, सानू गुरबाणी दा प्यार बख्शन। इन्हीं बेनतियां प्रवान करनियां जी, भुल चुक दी खिमा सरबत दा धन्नवाद, सारे ही प्यार सहित बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।